हाँ तो भाई सभी को राम राम, कैसे हो सब। मैं हूँ शिव, और आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ा एक व्लॉग सा रहेगा। कृष्णा एस्थेटिक्स, अगर आप लोग जानते होंगे, कृष्णा है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी फेमस हैं और यूट्यूब पे भी उनका चैनल है। तो वो आ रहा है कृष्णा एस्थेटिक्स, कोई चांदनी चौक रोहतक में रहता है वो, और अपना माइक वगैरह लेने को ही आ रहा है DJI का। तो वहीं जाएंगे हम चांदनी चौक, और वहाँ की व्लॉगिंग वगैरह करेंगे, और उसके बाद हम जिम वगैरह जाएंगे, शूट वगैरह करेंगे कुछ, ठीक है, फिटनेस रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज ये रहेगा आज के व्लॉग में, चलते हैं आगे। तो ये हमने आउटफिट चूज़ किया है, आउटफिट ठीक है, ये वाले जूते, H&M के जूते, H&M की जीन्स और H&M की शर्ट, ठीक है, तो पूरा H&M का ही आउटफिट है। और चलते हैं हम कृष्णा से मिलने चांदनी चौक। तो भाई अब ब्लॉग ना था। हाँ, ब्लॉग ना गया। तो हम दोनों मिल गए हैं फाइनली, ठीक है, और समय बाद पिछड़े हुए और पिछड़े भाई। और भाई कैसा लग रहा है दिल्ली आके? मजा आ रहा है भाई, आज मौसम भी थोड़ा ठीक है। आज मौसम ठीक, मौसम ठीक है, सबसे बढ़िया बात ये है, ठीक है। तो अभी चलते हैं DJI के शोरूम में, वहाँ से माइक लेना है इसे, माइक के बाद फिर क्या लेगा वो तो बता, फिर कहीं घूमने चलेंगे। कैचिंग कैचिंग, मौसम ठीक ठीक हो रहा है अभी। अरे जितना सुंदर हमें दिख रहा है ना, उससे ज्यादा सुंदर इधर दिखाई दे रहा है। हाँ, इस पर सुंदर है भाई, लेकिन वो व्यू भी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, लाल किला है ना वो। हाँ, ये बॉडी तो मसला रखी तूने, उतारो शर्ट भाई, दिखाओ नाम शेव की। कैसे हो सब लोग, आवाज कैसी आ रही है? सामने जो बैठा है, मैंने अपने बैठा। सो अभी हाँ, सो अभी हमने जो है माइक लिया है, ज़्यादा पास है, बहुत ही है, हाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, यहाँ पे बेस्ट है। तो ये माइक हमने चेक कर रहे हैं मोबाइल से कनेक्ट करके, है ना। मैं भी चेक कर रहा हूँ। तो भाई फाइनली हमने ले लिया है सामान, माइक DJI का, और आएगा अगली 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 क्लिप इनको उसी में सुनाते हैं भाई। हाँ हाँ, तुम्हें अगली क्लिप उसी में सुनाते हैं, कार अगली उसमें सुनेंगे, ठीक है, अगली उसमें। मेट्रो का इंतजार हो रहा है अभी यहाँ पे, कश्मीरी गेट। तो अब हम लोग बाइक पे हैं, स्प्लेंडर पे, देसी स्प्लेंडर पे, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं जिम में, और जिम दिखाऊंगा आज कृष्णा को, जिम कैसा है मेरा। और फिलहाल ट्रेनिंग का भी तो कर, ट्रेनिंग का ये है कि शायद आज हम थाइस मारेंगे, थाइस की एक्सरसाइज करेंगे, और कहाँ पे करेंगे ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो जिम चलते हैं अभी। तो ये रिसीवर है, हाँ ठीक है, रिसीवर है, और ये एक ही आता है ना रिसीवर इसका। अब ये ऐसे नहीं लगेगा, इसको ना अपने को इस वायर में डालना पड़ेगा भाई, ये देख वायर तो। हाँ वो अटैच करेंगे वायर से, वो वायर से अटैच्ड होएगा, ये देख मेरे हिसाब से मैं निकालता हूँ कौन सी होगी, ये है भाई, ये है वायर। ये हम भी नया नया सीख रहे हैं कहीं, ये लोग डर सा लग रहा है, मेरी भी छेड़ने में मेरी भी डर फिर लग रही है भाई। भाई मैं टाइट नहीं कर भाई, एक बार लगा के बनाते हैं वीडियो, लगा के बनाएंगे भाई, ठीक है। तो हमने ऐसे क्लिप की तरह ये कनेक्ट कर दिया इसमें, हाँ, और इसमें इधर है ये चार्जिंग वार्जिंग का, और हाँ, हेडफोन और ऑक्स वगैरह का। तो अभी ऑक्स डालनी है ना, ऑक्स से कनेक्ट होगा आउटपुट, वो उनको भी नहीं पता था वैसे कैसे होगा, तूने बता दिया। इतना लंबा जाएगा ऐसे घूम के? एक सेकंड में दोबारा बनाते हैं फिर से, कट कट भाई से, बस थोड़ी उम्मीद है, और मेरे हाथ में तो ये है, माइक है। हम्म, अब नहीं है भाई, और माइक है। देख कहीं नहीं जाएगा, बहुत हार्ड है भाई। हाँ लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा, माइक लगा रखा है। हाँ, रोड इतना भाई, रोड का बहुत बड़ा है, और वो चिम भाई ये फीचर दे रखे हैं अलग से, देख। अब तू दूसरा है, देख हमने फाइनली फिक्स कर दिया कैमरे में। हाँ ठीक है, इस तरीके से इसमें हम देख दूसरे में भी सेम। अब मान ले ये वाला तेरे को लगाना है, ठीक है, पहले इसकी ये हटेगी, इतनी हार्ड है कि इसको हटाने में भी एक हांगा लगेगा, ठीक है। एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं इनके आगे भाई, हटाना तो वो है ना पन्नी सी। हाँ, तो राम राम भाई सबको, मेरा नाम है शिव, और अभी मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने शोल्डर्स का, और हमारे साथ आज है
कृष्णा एस्थेटिक्स, ठीक है, बॉडी बहुत तगड़ी है भाई की, ठीक है। और हम लोग आज जाएंगे शोल्डर वर्कआउट करने मेरे जिम में, फिटनेस प्लस में। और शोल्डर्स में क्या क्या करेंगे हम? शोल्डर्स में आज तुमको मैं ही दिखाएंगे भाई, आज मेरा होगा, मैं कराऊंगा शिव को शिव जी को, उसके बाद शिव मेरे को कराएगा आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग। तो मैं जो हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग थोड़ी कम करता हूँ, जब से इंजरी में हूँ मैंने सोचा थोड़ी सी अब बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दूँ, ठीक है। तो कृष्णा आया, कल हम कर नहीं पाए क्योंकि मेरे सर दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, वरना कल हम थाइस करते अच्छे से। तो आज थाइस नहीं कर रहे बट शोल्डर करते हैं, और फिर उसके बाद कहीं और घूमने उमने जाएंगे तो वो भी सब दिखाएंगे आपको। भाई हम जिम में आ चुके हैं, ठीक है, और ये है जिम अनफ्लेवर्ड, देखा होगा आपने बहुत बार मेरी वीडियोस में। और अब हम एज अ प्री वर्कआउट हम ले रहे हैं प्रोटीन को, ठीक है। और प्रोटीन में क्या ले रहे हैं हम, देखा कृष्णा डाल रहा है प्रोटीन को, अरे वो है ना फ्लेवर नहीं है ना, हाँ फ्लेवर नहीं है प्रोटीन में ना, इसलिए प्रोटीन फ्लेवर नहीं है, एज इट इज़ का आइसोलेट प्रोटीन है, ठीक है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कोई, ठीक है। तो ये जो है कोल्ड कॉफ़ी हम डाल रहे हैं इसमें फ्लेवर के लिए, और फिर इसमें डालेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा, ग्लूटामिन प्रोटीन ग्रेटिन सब डालेंगे, और फिर वर्कआउट करेंगे 10-15 मिनट बाद, थोड़ा वार्म अप वगैरह करके, है ना। तो लेट्स गो, यहाँ पर डाल दिया है कृष्णा ने ये दूध। इस माइक का ये फायदा है, कितनी दूर ले जाओ आवाज़ उतनी आएगी, है ना। ये क्या दिखा रहा है यार, एक्सपीरियंस तो बहुत है यार, ढक्कन खोलने का है, क्या शॉट आ रहा है, वेट हो गया ना, हैं वेट हो गया, बढ़िया शॉट आ रहा है, ठीक है। तो कोल्ड कॉफी और प्रोटीन एज इट इज का, भाई मदर डेयरी की कोल्ड कॉफी में स्वाद है, वाकई में स्वाद है। स्वाद है यार। तो अभी हमने जो है प्रोटीन पी लिया है, और अब हम वो पियेंगे इलेक्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, तो ड्यूरिंग वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहता है। BCAA मैं प्रेफर नहीं करता, ये थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, BCAA से थोड़ा सा महंगा पड़ता है ओवरऑल अगर आप एक मंथ का देखोगे तो, ठीक है, बट यही मुझे सही लगता है, इसमें बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है आपकी, ठीक है, हाइड्रेशन सॉल्ट्स होते हैं इसमें, रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हो ड्यूरिंग वर्कआउट, या कभी आर्म रेस्लिंग का भी सेशन कर रहे हो तो ड्यूरिंग आर्म रेस्लिंग वर्कआउट सेशन आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो अभी हम जो है इस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं एरोफिट के रेजिस्टेंस बैंड्स, ठीक है। तो ये बैंड्स होते हैं, इससे आप जो है वार्म अप और कूल डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब यहाँ पे हुक है, तो 3-4 बैंड्स होते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के, तो 3-4 बैंड्स आप लगा के उस हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं बाइसेप का वार्म अप कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसे नीचे फंसाया और इस तरीके से ये मेरे बाइसेप का वार्म अप हो रहा है, या फिर कूल डाउन भी कर सकता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड से। और इनके हैंडल्स का ये फ़ायदा है कि आप ग्रिप करके कर सकते हो, जैसे आप देखोगे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं बैक स्टेज पर पंप करते हैं, वो इस टाइप के रेजिस्टेंस बैंड होते हैं, आप इस पर हाथ में पकड़ सकते हो, या फिर आप इसी से शोल्डर का भी पंप कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर ऊपर अटका के आप ट्राइसेप कर सकते हो, ठीक है, बैक कर सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा बैक का कर लिया, ठीक है, कहीं पर फंसा के फिर आप चेस्ट के लिए भी, सारे बॉडी पार्ट्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। और दूसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरोफिट की स्पीड रोप्स, ठीक है। तो मैं स्किपिंग करता हूँ जनरली वार्म अप या फिर कूल डाउन के टाइम पे, जब मैं जो है एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद भी, तो स्किपिंग मेरे को बहुत पसंद है, और इससे होता है बॉडी पूरी आपकी टोन वगैरह रहती है, आपका जो है मसल वसल साइड बल्जिस वगैरह पूरे टोन रहते हैं प्रॉपर। तो अभी हम स्किपिंग करते हैं थोड़ी सी, तो ये स्पीड रोप है, बहुत तेज़ घूमती है, ठीक है, तो देखना। तो स्किपिंग बहुत ज़रूरी है आपके वार्म अप्स और कूल डाउन के टाइम पे। एरोफिट से आप परचेज़ कर सकते हो, एरोफिट ब्रांड है अगर दिखाई दे रहा है इसमें तो, ठीक है। तो एरोफिट पे ऐसे ही स्पीड रोप्स, स्किपिंग रोप्स, आपके रेजिस्टेंस बैंड्स, ये सब लूप्स, बहुत सब कुछ मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम लोग वार्म अप ले रहे हैं, एक सेट हमने ले लिया है 5-5 केजी का, ठीक है, और अब ये 7.5 का है ना, 7.5 से 10 है, 10 है, तो मैं 7.5 लेता हूँ, ठीक है। तो ये है बैक डेल्ट्स के लिए, बैक डेल्ट्स, ठीक है, तो ये हम करेंगे
ऐसे हैं पीछे जाने दे थोड़ा थोड़ा ए शेप में जाने दे थोड़ा सा ए शेप में ए शेप मतलब ऐसे मतलब कि पीछे की साइड अच्छा ये, बीच में हाँ ये ठीक ये हाँ और अपने कोर को टाइट करियो ताकि लोअर बैक पे ना आए ना अच्छे से हाँ इस पे फोकस दे हाँ ये वाले सही बढ़िया सही चार पांच रैप और बस उसके बाद मेन सेट लेंगे बढ़िया चल 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 ठीक है बढ़िया मेन सेट लेंगे अब मेन हाँ यही रियल डेल्ट्स के लिए हाँ रियल डेल्ट्स का ठीक डंबल हैं 15 के कंट्रोल्ड करेंगे अच्छे से ठीक है मैं थोड़ा कम पीछे ले रहा था और थोड़ा पीछे लेना है पहला सेट 15 का जिसे मैं तो सुन कंट्रोल लेना है रैप तो इसे कट कर दें या फिर ना चलते रहने दे ठीक है तो अब ये 10 किलो का है 7.5 ठीक है तो 10 किलो से वही रियल डेल्स के लिए बेंडो के हाँ ये स्लो जा ये स्लो जा हाँ बढ़िया 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 कंट्रोल ले 12-15 और कुछ करिए जितना हो सके हाँ दिमाग में बैक डेल्ट के बारे में सोच तो फिर से रियल डेल्ट्स ये है 15 किलो नहीं बस 12.5 किलो से पहले हम लिए 10 किलो से अब 12.5 किलो से ठीक है ओ बढ़िया बढ़िया चल 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 पुश कर लिमिट्स तक पुश कर एक बार कोर को टाइट रखियो कमर पे ना आए हाँ बढ़िया कोर को टाइट करके कैसे कोर को टाइट कोर टाइट रखेगा ना तो कमर पे कभी भी वेट नहीं आता कोर टाइट अच्छा। रहेगा ना कोर बिल्कुल एंगेज रहता है एकदम टाइट तभी तो सभी हम सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं तू नोटिस करेगा जो लिफ्टर्स होते हैं बस सांस में सांस लेने के लिए ऊपर आया सांस दोबारा भरी रोक के कोर टाइट और फिर शुरू कर दिया तेरा माइक बंद था ये वाला मेन सेट्स में अब एक हो चुका है 4 करने 3 और हैं लिमिट्स तक पुश करा करो अपने आप को कोई भी सेट हो पे देखो और एक और बात है मेरा माइक शिव बताएगा क्या बता शिव क्या हाँ कि डंबल रीरैक कर रहे थे भाई अपने ऑडियंस को समझा 1 लाख बंदे हैं और वेट्स दिखाऊं हमने कैसे फैला दिए ठीक है इतना सारा फैला दिया हमने तो इसे अब रीरैक करना बहुत ज़रूरी है ठीक है गाइस रीरैक योर डंबल्स चलो अगर आप उठा सकते हो 15-15 किलो आराम से ठीक है उन्हें उठा के कल मार सकते हो और 15-15 उठा 15 के लेगा ना आके रख नहीं सकते उन्हें तो कोई फायदा नहीं में 15 लेगा उस डंबल उठाने का है 15 लेगा ना
तो बाकी डिरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है। अगर उठा के चल नहीं सकते ना तो उसको उठा के कर्ल करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी का बहुत जरूरी है। उठा के चल भी क्यों नहीं सकते भाई, जब कर सकते हैं तो चल सकते हैं भाई, समझ रहे हो ना। ठीक है भाई, इस चीज का रखा करो ध्यान। कर दिया वापस है। अब तुम्हारे इनको कहने कहने के लिए नहीं बता रहे भाई। वहाँ देखो, वहाँ पे अभी भी डंबल पड़े हैं लोगों के, अच्छे नहीं लगते। लेबर वैसे भी नहीं उठा पाती, बताना इसको। कोई नहीं, कोई नहीं, लेबर कैसे उठाएगी इतने बारी। हाँ लेबर नहीं उठा पाती, पर उठा लेते हैं। उनकी खुराक भी तो कम होती है। उनकी खुराक कम है। अब तू देसी मुर्गे पाड़ता है। कोई नहीं, कोई नहीं, वो पाड़ते नहीं। मैं मुर्गे खा रहा हूँ। 15 किलो आया सर, कंटिन्यू 15 किलो। ठीक है, कमर देख, कमर मुड़ रही है पर कोर टाइट हो रहा है। पर कोर टाइट कर, थोड़े कमर को अंदर रख। हाँ ये, ये 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 अब कर, ये कंट्रोल्ड, 2 3 4 बढ़िया, 5 6। अब एक बार ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, कमर मुड़ने लग गई। दोबारा सांस भर, अंदर जा, कमर अंदर, कोर टाइट, अब कर दोबारा, 7 8 बढ़िया, 9 10 दो और, एक और, एक और, एक और, एक और आएगा, बढ़िया। ओ 15 है। हाँ 14 थे शायद, बढ़िया। एक और बैक डेल्ट की है ये, इस बैक डेल्ट वाली को करेंगे बेंच पे, बेंच पे पूरे उल्टे लेटेंगे और पीछे की तरफ हाथ लाने हैं, सिंपल वे में बता रहा हूँ ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे चीज़ों को तो अपने बस मसल माइंड कनेक्शन को अच्छा रखना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे रियर डेल्ट पे आएगा। रियर डेल्ट पे जैसे आना चाहिए वैसे ही आएगा ठीक है। ध्यान से करना, फॉर्म देख लो, कच्ची पक्की अगर बिल्कुल अच्छे से समझानी है तो मैं वो अलग से समझा दूंगा तुम लोगों को। सागर इसके शुरू के सेट्स में 12 से 15 लग गया करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओगे ना, अगर तुम वेट बढ़ाने वाले हो तो वो ठीक है। जैसे मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करता हूँ ना तो एक ही वेट रखता हूँ चारों सेट में, अपने जो मेन सेट होते हैं। ये वार्म अप कर रहा हूँ, इसका भी थोड़ा सा मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा, उसके बाद मैं इन 4 सेट लूँगा। पंप बढ़िया हो रखा है, दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद तुम्हें पंप आखिर आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे रियर डेल्ट्स की। ठीक है, एक और है अपने ना, तुम लोग मैं बेसिकली बताता हूँ। देखो शिव भी है, शिव एक आम रेस्लर है, अपने रियर डेल्ट्स को अच्छे से ट्रेन नहीं करता, तो इस वजह से जो इसके ओवरऑल शोल्डर के पार्ट है ना, रियर डेल्ट्स निगलेक्ट करते हैं हमेशा। इसके भी फ्रंट डेल्ट सबसे अच्छा है, फिर साइड डेल्ट सबसे कम है, रियर डेल्ट, और सेम उल्टे का उल्टा मैंने बना रखा है। फ्रंट डेल्ट सबसे कम है, साइड डेल्ट बढ़िया बना रखे हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़िया बैक डेल्ट, क्योंकि अब 6 महीने से बहुत काम करा है मैंने बैक डेल्ट पे। पहले मैं अभी यही सोचता था कि सारा जो शोल्डर का मूवमेंट है अपना बस वही है, जो हम बारबेल प्रेस करते हैं, शोल्डर प्रेस करते हैं, आते ही उस पर लग जाते हैं, सारी जान लगा देते हैं, 30 किलो 35 किलो सब। बैक डेल्ट कब करते हैं, आखिरी का एक एक्सरसाइज 4 सेट, उसमें भाई शेप ट्रेन नहीं हो पाएगा, शेप नहीं आती थी। तुम्हारा जो शोल्डर का स्ट्रक्चर तुम देखते हो ना, राउंडेड रह रहा है पीछे से, वो जो निकल के आता है दिल से जो बन के आता है, वो राउंडेड इसीलिए रह रहे हो कि आगे के इतने बड़े कर रखे हैं, पीछे के हैं ही नहीं। ये पीछे ही तब चला जाएगा ऑटोमेटिकली रियर डेल्ट ट्रेन करोगे, पोस्चर सुधरेगा बहुत, पोस्चर भी अच्छा होगा, चेस्ट भी अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से। हां चेस्ट भी अच्छी लगेगी। अब ना ए शेप में जाना है, देख यहां पे लाइयो, यहां पे, और इसको यहां जाने दियो। ठीक है, हां ये प्रॉपर भाई, प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर। अब ये बिल्कुल बस मसल माइंड कनेक्शन के लिए सेट है तेरा, कि एक बार ही दिमाग वहाँ पे सेट हो जाए, उसके लिए 15-20 रेप ले इसके आराम आराम से, जैसे अभी कर रहा है, बहुत प्यारे कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया, एक नंबर है।
सही देखिए बस फिंगर रख रखी है मैंने, तेरे ज्यादा जल रहे होंगे जितने नॉर्मली जलते हैं। चुभ रहा है ऐसा लग रहा है, नाखून नहीं मार रहा है, मेरी फिंगर ट्रिप तेरे जब मसल में जा रही है ना सारा खून ही आ रखा है, खून जरा सा भी दब रहा है, ऐसा लग रहा है चुभा रहा है, ऐसा लगेगा नाखून बहुत ही मसल माइंड कनेक्शन इतना तगड़ा फील होगा ना तेरा, ये देख नाखून है ही नहीं। हाँ मुझे लग रहा है तेरे नाखून बहुत बड़े हैं, और नाखून है ही नहीं। अच्छा वही मसल माइंड कनेक्शन होता है ना, चुभता है सेट नहीं लग, अब तेरे से रैप नहीं लग सकते, और क्योंकि सारा सारा पंप आ चुका है, ब्लड फ्लो आ चुका है उसमें भाई, नहीं है मेरे नाखून यार, ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा था, बहुत और कहीं नहीं लगेगा, बोलने वाला था मैं यार कि सुई से चुभ रही है, मुझे नहीं पता तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन व्यू देखो एक बार, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मज़ा सा आ रहा है देखने में, मन कर रहा है भीग जाओ बारिश में, नहा लो बारिश में, गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, नहीं गर्लफ्रेंड के साथ नहीं अकेले, झूठ मत बोल यार। अरे अपना शरीफ है, ब्रह्मचारी नहीं है भाई तू? नहीं ब्रह्मचारी नहीं हूँ भाई मैं। माइक माइक को बनियान पे पहन लूँ एक बार, तुम्हें शोर आएगा। हाँ भाई उतार, एक माइक पे आवाज़ आ जाएगी, फोन करें ना माइक, मैं इस पे डाल ले सेंडो पे। मैं आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, सेंडो बहन चो ब्रा की तरह नहीं आ रही। अब तुम्हें ना एक चीज़ दिखाते हैं, देखो ना अभी तक एक भी सेट, एक भी कुछ ना फ्रंट डेल्ट करा है, ना एक भी कुछ साइड डेल्ट करा है मैंने, ठीक है ना, इस कोशिश ने करा है, ये साइड में खड़ा हूँ मैं, ये पोजिंग कर रहा हूँ, जो गोलनेस देख रहे हो ना तुम शीशे में, ये गोलपना आ रहा है जो पीछे तक जा रही है जो चीज़, ये चीज़ देती है रियर डेल्ट, उसके भी रियर डेल्ट पंप रखे हैं तभी वो पीछे तक जा रहे हैं, वरना ये चीज़ पीछे तक नहीं जाती तुम्हारे, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, देखो सेंडो में है, शोल्डर पम्प्ड हैं और अभी बस बैक डेल्ट करे हैं, अभी कुछ भी ऐसा खास नहीं करा है पीछे तक, जो तुम्हें कट दिख रहे हैं ना पूरा पीछे डीप जा रहा है, ये हर उसमें नहीं दिख रहा, ये जा रहा है पूरा, ये पार्ट, ये जो दिल बन रहा है ना, ये दिल बनाना है पूरा, ये शेप आ रही है, जितना बड़ा आगे उतना बड़ा पीछे बनाना है, बढ़िया शेप आएगी, बहुत प्यारा आ जाता भाई, ये बहुत प्यारा हो जाता है, ये साइड चेस्ट पोज में भी आता है बहुत बढ़िया निकल के पीछे से ना, जब साइड चेस्ट मारते हैं पीछे बराबर थोड़ा टिल्ट होता है, ये चीज़ ना सेपरेशंस दिखते हैं इसके, अभी आता नहीं मुझे भाई, कंटिन्यू करते हैं ये एक्सरसाइज है कंप्लीट करके, इसके बाद अपनी अगली आएगी, अगली एक्सरसाइज करेंगे हम साइड डेल्ट, उसके बाद आर्म रेस्लिंग की ट्रेनिंग करेंगे वो, जो कि मेरे को शिफ्ट कराएगा जैसे मैं उसको करा रहा हूँ। सैंडो उतार लिया और सैंडो उतार के हम रियर डेल्ट्स की करेंगे फिर से, और 10 किलो वजन है, ठीक है इसमें भी पता नहीं दिखेगा कि नहीं, इसमें बढ़िया फोकस होगा,
पंप बहुत अच्छा आ रखा है। सेंटर से एकदम सेंटर से कुछ भी चीज मार दो स्पीड दोनों भाई दोनों स्पीड, स्पीड मारूं स्पीड मारूं भाई देखो दोनों भी शॉट्स कर अरे वो है स्ट्रैप है मेरे पास स्ट्रैप बढ़िया ना शॉट्स कर भाई इसकी भाई रिस्ट का ध्यान रखिए रिस्ट बहुत हां ओए कपिल वहां से रिस्ट देख लियो बस कैमरे के सामने मत आइए इसकी भी रिस्ट देख कहां जा रही है हां वो तो आएगी सीधी आ जाएगी ठीक है सर पहले शॉट्स वगैरह खा दो बस रिस्ट रिस्ट ठीक है एकदम सीधी है ठीक है सीधी है यू सीधी है सही आप आप रेडी गो कहाँ जा रहा है भाई स्ट्रैप लगा स्ट्रैप शायद है नहीं स्ट्रैप लाने पड़ेंगे स्ट्रैप शायद है नहीं घर पे रहेगा क्यों है फिर हाथ छोड़ क्यों देते हैं दोनों टॉप मारे हम दोनों खुद था पहले स्कोर है ना और दोनों ही बॉल में खुल गया और दोनों हुक मारे तो नहीं खुलता फिर तो रूल लोग हो जाता है आप यहां से मैं ये कर रहा हूं दोनों टॉप रोलर दोनों टॉप रोलर छूटे कई बंदे क्या होते हैं जानबूझ के छुड़वाते हैं हाँ कि वो स्ट्रैप बंदे स्ट्रैप में रॉ पावर फील होती है हाँ स्ट्रैप में फिर ऑप्शन है बस पावर बस पावर स्ट्रैप में बस पावर रहती जिसमें, है जिसमें ज्यादा पावर ना यार स्ट्रैप घर पे रह गया घर पे रह गया हाँ कोई नहीं मैं हुक में घुमा लूंगा तुझे अरे बिना स्ट्रैप के हुक से लगाओ तो मैं इसे हुक में घुमा लूंगा मैं करवाऊंगा भाई वो देख रहा मेरे को नहीं पता कल दिखवा रही हो एक सेकंड मुझे से रिस्क है ठीक है इसकी रिस्क इसकी रिस्क याद है एक तरफा यार इसको बहुत बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा इसके फोर आर्म भी बहुत बड़े हैं यार ये जब जब स्ट्रांग हो जब मेरा को टक्कर और, और अभी और अभी ये काफी एडवांटेज में था मैं ऐसे खेल रहा हूं हां हल्की एडवांटेज लगा लगा फिर चलो अच्छा फिर टॉप मारने की कोशिश करूंगा अब तो तुम खुद ही कर लोगे खुद कर लोगे थोड़ा पीछे हो जाओ बस ये सीधी करो थोड़ी बस 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 एक दो गो कहूंगा सीधा ठीक है गो भाई तुम अभी गलती कर रहे हो मेरा एंगल खुल गया कैसे घुमा रहे हो अरे ये कल खेला मैं पीछे करो रहा हूं पाँच छह दिन हफ्ता किसी के साथ नहीं लगाऊंगा कुछ जो टॉप रोलर उनसे हुक में नहीं खेला जाता देखा मैंने तब तो इज्जत स्वाद ले रहा है भाई बहुत बढ़िया यार पे मोहित है क्या पंप हो गया मेरा यार भाई तू चला गया मेरा पंप हो क्यों नहीं हुआ पंप कह रहा है जान नहीं है मेरे यहाँ पे पूरा पंप हुआ पड़ा है दो मिनट रुको भाई आज का दिन का एंड हो गया है ठीक है रात के सारे 11:30 बज रहे हैं और कृष्णा आया था बहुत मज़ा आया हमने इन्जॉय किया काफ़ी और वर्कआउट किया पूरी वर्कआउट सेशन की वीडियो मैंने डाल दी है थम उसकी शोल्डर्स की ज़्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पाए क्योंकि बातों में ज़्यादा एंगेज हो गए थे और दूसरा आर्म रेस्लिंग करने लग गए थे सारी आर्म रेस्लिंग की क्लिप भी नहीं डाल पाया मैं क्योंकि उसके चैनल पर भी थोड़ा बहुत अपलोड हुआ है तो उसके चैनल से भी जाके देख लेना ठीक है चैनल उसका इंस्टाग्राम अकाउंट और चैनल में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अगर बढ़िया लगा हो ऐसा वर्कआउट सेशन तो बताना ज़रूर अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं ना
खाली टाइम में ही जाया करूँ जिम और अपने एक्सरसाइज वगैरह करने, और अपना एक बढ़िया सा ट्राईपॉड ले लूँ और बढ़िया आपको बेस्ट शॉट जो होता है ना वो दूँ, और माइक भी खरीदने की सोच रहा हूँ मैं, जैसा इसने लिया कृष्णा ने DJI का, सेम यही माइक, थोड़ा सा महंगा है सिस्टम, ठीक है, 10,000 का ट्राईपॉड आएगा, 30,000 का माइक आएगा, तो थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दूंगा, इन्वेस्ट करूँगा और उसके बाद अच्छा आउटपुट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है अब और बेटर होने की, आर्म रेस्लिंग में भी कर रहा हूँ, राइट हैंड से रिकवर हो रहा हूँ, डेली रिकवर हो रहा हूँ, 3-4 महीने लगेंगे रिकवरी में, ठीक है। एंड ओवरऑल वीडियो व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा काफ़ी, और कुछ कमियाँ लगी हो तो वो भी बताना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी थोड़ा सा फोकस रिकवरी पे, जय श्री राम।